हाँ तो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे पिछले क्लासेस के अंदर में जो बच्चों ने ये क्लासेस मिस कर दी थी, उनके एक डिमांड था कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो उनको सेंड कर पाऊँ। तो उस दिन क्लासेस के अंदर में एक्चुअली मैं रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, लेकिन आज वो क्लासेस वो वीडियोस को मैं रिकॉर्ड करके आपके पास सेंड करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं एटॉमिक नंबर। ये आपके जस्ट रदरफोर्ड मॉडल के जस्ट बाद आता है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स के अरेंज मतलब एटम्स के एटम में जो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट को हम आसानी से सीख चुके हैं, और उसी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पर हमने एटम के स्ट्रक्चर को डिसाइड करना था। लेकिन एटम के स्ट्रक्चर को डिसाइड करने से पहले हम लोग यहाँ पर दो तीन चीज कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर, दूसरा एटॉमिक मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने हर बार ये देखा हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा एटॉमिक मास। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर। देखिएगा एटॉमिक नंबर क्या है। तो देखो, एटॉमिक नंबर का होता क्या है, तो कुछ नहीं है, हम समझाने वाले हैं कि ये सिर्फ किसी भी एटम्स के अंदर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल एटम में, या जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उसे उस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम्स आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, किसी भी एटम्स के अंदर में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। साथ ही साथ ऐसे भी बोला जाता है कि किसी न्यूट्रल एटम के अंदर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम्स आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो चलिए इसको हम डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ बस मैं दोनों को लिखने वाला हूँ, तो लिखिएगा कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम्स आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसी तरह से मैंने दूसरा भी बोल रखा है, क्या बोल रखा है, इसको हम दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो ये बात तो आपको सिखा दिया कि किसी भी एटम्स के अंदर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल एटम में उसे हम उसका एटॉमिक नंबर कहेंगे। साथ ही साथ ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी एटम्स के अंदर में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। देखिए कैसे बनते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। एक चीज़ और लिख लेना कि इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम प्रेजेंट करेंगे किससे, जेड के द्वारा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज represented by, यहाँ पर एक स्टार बना लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि it is represented by क्या, Z। ठीक है, तो चलिए कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर इसको डिफाइन करने वाले फॉर्मूला, हमको मेन मतलब है यहाँ से फॉर्मूला से। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा एक काम करो, एटॉमिक नंबर को अगर मैं चाहूँ तो जेड से शो कर सकता हूँ, और एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मैं ऐसे कर रहा हूँ एन यहाँ पर पी। इसका मतलब क्या हुआ, एन का मतलब है नंबर और पी का मतलब है प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए। तो चाहे तो यहाँ बस लिख भी सकते हैं कि एन पी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा, साथ ही साथ हमने ऐसे भी बोल के रखा है कि उस किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अगेन क्या चीज़ देखें जरा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम
न्यूट्रल एटम्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जेड से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं किससे प्रेजेंट कर रहा हूँ, एन, एन स्मॉल ई से। तो यहाँ पर लेकिन ब्रैकेट के अंदर में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि एटम आपके पास न्यूट्रल होना चाहिए, दैट मीन्स न्यूट्रल एटम होना चाहिए। तो इन फॉर्मूला के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है कि भाई ये न्यूट्रल का क्या मतलब है। तो न्यूट्रल का सिंपल मतलब है जिसमें कोई चार्ज ना हो, चार्जलेस पार्टिकल बोल सकते हैं उसको हम न्यूट्रल बोलेंगे, या जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन दोनों के दोनों सेम नंबर में प्रेजेंट होते हैं उसको हम न्यूट्रल बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, बहुत सिंपल सा मेथड है जिसमें कोई चार्ज ना दिखे तो समझ जाना आप क्या है, न्यूट्रल है। तो पहले इसको हम रफ करते हैं और उसके बाद इसका जो क्वेश्चन आते हैं उस पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखें जरा किस तरह से करते हैं। हाँ, तो आपने ये कॉपी तो कर लिया होगा, और कॉपी करने के बाद चलते हैं कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस में बोल के रखता है क्वेश्चंस नंबर वन की फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन फॉलोइंग एटम। ये क्वेश्चंस है कि जो फॉलोइंग एटम्स हैं उसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, प्रोटॉन्स कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। देखो कैसे, तो यहाँ पर मैं ए दे देता हूँ। ए मुझे किसके लिए कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करेंगे, बी उसके बाद यहाँ पर मैं बोरॉन के लिए करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर सी मैं किसके लिए कैलकुलेट करूँगा, फ्लोरिन के लिए, और डी कैलकुलेट करूँगा किसके लिए, किस तरह सोडियम के लिए। तो ये है, उसके बाद आपको आयंस का भी सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ऐसे सिखाते जाते हैं, देखिए कैसे। तो चलो सबसे पहले हम ए का सॉल्यूशन चलते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर ए क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाइड्रोजन का। सबसे पहली बात, जब भी आप ये कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर का। तो एटॉमिक नंबर आपको वैसे पता होगा, एटॉमिक नंबर होता क्या है ये हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं, पर एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि भाई इसमें हाइड्रोजन इसके अंदर में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए जरा कैसे करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि वी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज वन। कितना होता है, वन। तो देखो यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे कि भाई एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब मुझे बता दो, पहले एटॉमिक नंबर कितना है, आप बोलोगे वन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? तो मेरे ख्याल से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आ चुका है, वन। दूसरी बात, अब एक चेक करो कि जिन भी एटम्स का हमें एक्चुअल में एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है, क्या वो न्यूट्रल है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन में कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कि न्यूट्रल है। और न्यूट्रल के लिए हमने एक और फॉर्मूला बढ़ा के रखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, ऐसे मैंने बोल रखा है। तो चलो यहाँ से चाहें तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा फॉर्मूला ने क्या रखा था कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर में आपको क्या लिखना था, न्यूट्रल एटम लिखना था। बताओ एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पर, तो वन बोलोगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाई दे रहे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट में चाहें तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वन इज इक्वल टू एन ई होता है। तो यहाँ से ये पता चल चुका है कि हाइड्रोजन के अंदर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वन होते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वन होते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों कैलकुलेट कर लिया है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स कितने होते हैं। तो आप पहले से कॉपी करो, फिर आपको मैं नेक्स्ट, मैं बी आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप मैं सी करके दिखाता हूँ, फिर डी करके दिखाता हूँ। बी आप लोग होमवर्क के रूप में करिएगा यहाँ पर, ठीक है, रफ करो, कॉपी करो उसे। चलिए तो अब मैं सॉल्व कराता हूँ कौन सा क्वेश्चन नंबर सी का। तो यहाँ पर सॉल्यूशन सी करने वाले हैं। तो चलिए पहले आपको लिखना पड़ेगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर
कि एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9। कितना है भाई यहाँ पर? इसका एटॉमिक नंबर 9 है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। आगे चलते हैं। देखिए, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। बताओ एटॉमिक नंबर कितना दिखाई दे रहा है? तो आप लिख सकते हो 9, या चाहो तो 0, 9 कोई जरूरत नहीं है, यहाँ चाहे तो हम 9 लिख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या लिख सकते हैं हम? NP लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरिन के अंदर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 9 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी है कि भाई अगर ये फ्लोरिन मैंने जो दिया हुआ है वो न्यूट्रल एटम है, और न्यूट्रल के लिए हमने दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है क्या, कि किसी भी एटम्स के अंदर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूट्रल एटम के लिए एटॉमिक नंबर उनके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। देखें इस तरह से, तो चलो यहां पर लिख लेते हैं अगेन, क्या कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। बताओ एटॉमिक नंबर के, अच्छा एटॉमिक नंबर कितना है? तो एटॉमिक नंबर यहाँ पर 9 दिखा दे रहा है, और यहाँ पर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। इस तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ फ्लोरीन के अंदर में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 आया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 9 आया है। अच्छा, अब बहुत लोगों के डाउट रहता है कि हर जगह तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, नहीं, कहीं कहीं पर ये डिफरेंट हो जाता है। कैसे वो हम देखेंगे, लेकिन ये जनरली कब होता है? जब चार्ज पार्टिकल के होते हैं तब। तो वो कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ, एक बार मैं डी कैलकुलेशन करा देता हूँ, डी के बाद आप बी करिएगा, बी होमवर्क रहेगा, डी को मैं अभी करा देने वाला हूँ। तो चलिए इसको आप करिए, हालांकि मेरे पास स्पेस है तो मैं डी यहीं पर करा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर डी। कैसे? तो हम क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ये लिखना पड़ेगा कि ये सोडियम है, इस सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तो 11 होता है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। ठीक है, कोई बात नहीं है, आर लिखना चाहो तो आर लिख सकते हो, 11। ओके, वेरी गुड। चलो क्या करते हैं यहाँ पर, चलो कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यहाँ पर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स था। बस आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा, बहुत लोगों ने, एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पर? 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना आ चुका है? 11। अब चाहें तो न्यूट्रल एटम है, अगर ये न्यूट्रल एटम है तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं क्या, कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ एटॉमिक नंबर कितना दिखाई दे रहा है? 11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 11। तो इस तरह से सोडियम के अंदर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो चलो इससे पहले कॉपी करो, बी आप करिएगा, हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया था कि भाई न्यूट्रल एटम्स है तो हम उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बट ये आयंस होगा, मतलब पॉजिटिव आयंस होगा या नेगेटिव आयन होगा, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए इसको मैं अभी सिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अब इसे कॉपी करो। हाँ, तो क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर कि एटॉमिक नंबर फोर आयंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है। देखेंगे यहाँ पर कि एटॉमिक नंबर फोर आयंस, सबसे पहले यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट समझते हैं। केस नंबर फर्स्ट के अंदर मैं किसके लिए मैं सिखाने वाला हूँ, इसके लिए मैं सिखाने वाला हूँ केटायंस के लिए, या यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव आयंस के लिए। पॉजिटिव यहाँ पर लिख लेते हैं, फोर पॉजिटिव आयंस। चलिए देखिए कैसे, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, सोडियम यहाँ पर मैंने दे दिया प्लस, तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको ऐसा कोई भी पॉजिटिव आयंस दिख रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर के लिए कुछ फॉर्मूला होंगे। देखिए किस तरह से करते हैं, तो ये इसका एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स होंगे, ये तो आपका चेंज नहीं होने वाला, ये सेम रहेगा। चेंजेस कहाँ पर आएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में, ठीक है। देखिए कैसे, तो आयंस के लिए ये तो आपको मैं नहीं सिखा रहा हूँ, आप पिछले क्लास मतलब इससे पहले मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब मैं आपको आयंस के लिए इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट कराते हैं ये सिखाते हैं। तो चलिए देखिए कैसे, क्योंकि ऊपर वाला जो मैं लिखा हूँ ये तो सेम ही रहने वाला है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हम लोग पहले न्यूट्रल लिखा करते थे, चूँकि ये न्यूट्रल नहीं है और न्यूट्रल नहीं है इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो चार्ज है प्लस उस चार्ज को लिख देंगे। तो यहाँ पर प्लस करके लिखेंगे चार्ज ऑफ आयन, मतलब कि कितना चार्ज है वहाँ पर। तो चलो कुछ नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है, यहाँ पर हो जाएगा 11। पहले ये फॉर्मूला याद कर लो, अब इस फॉर्मूला के द्वारा हम सोडियम प्लस आयन का कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे, एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है 11, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ आयंस कितने हैं, तो आप बोलोगे प्लस दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक कैटायंस के लिए पॉजिटिव आयंस के लिए नेगेटिव आयंस के लिए दूसरा कुछ होता है। तो आप क्या करें बताओ, प्लस आयन को इधर ला सकता हूँ तो नेगेटिव आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 11-1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आप इसे अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ, न्यूट्रॉन नहीं है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ठीक है, ये पता चल चुका है कि सोडियम प्लस आयंस के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। इसे आप कॉपी करो।